बसपा अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मन की बात में आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी की बात कहते हैं, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मायावती ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। हाथरस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाया है और सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। कानपुर पहुंचे कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कानून मंत्री ने कहा कि लोक अदालत की भूमिकाओं को देखते हुए सरकार ने इसे स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरे पर मंत्री चेतन ने बाढ़ पीड़िताओं से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई। उन्नाव पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने पंचकुला हिंसा पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अपना काम कर रही है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्नाव पहुंचे श्रीकांत शर्मा से जब साक्षी महाराज द्वारा गुरमीत राम रहीम पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये सवाल उन्हीं से किया जाए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में महिला के शव को कुत्तों द्वारा नोचे जाने की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री ने दुख व्यक्त किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है और करीब अरब रुपए की फसल नष्ट हो चुकी है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी की बदौलत झोला छाप डॉक्टर अपने अस्पताल को चला रहे हैं। इतना ही नहीं, झोला छाप डॉक्टर मरीजों के इलाज करने पर स्वास्थ्य विभाग को भी कमीशन देते हैं। फिरोजाबाद में नशे की धुत में सिपाही ने जमकर हंगामा किया। सिपाही ने शराब के नशे में युवकों को जमकर गालियां दी। गाजियाबाद में मोबाइल टावर को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में 15 लोग जख्मी हो गए। बागपत में मामूली लेन देन के विवाद में दबंगों ने एक युवक पर तेजाब डाल दिया और मौके से दोनों आरोपी फरार हो गए। अमरोहा पुलिस ने दो बहनों के अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी युवतियों को किसी गलत काम में धकेलना चाहते थे। फिरोजाबाद में बैंक कैशियर के बेटे का बदमाशों ने अपहरण कर 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। युवक कपड़ों पर प्रेस कराने गया था, जिसके बाद उसका अपहरण हो गया। फतेहपुर में डेंगू के 4 मरीज मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। डेंगू के मरीजों के लिए जो वार्ड बनाए गए थे उसमें ताले जड़े हुए हैं। फतेहपुर के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगवाई गई। बीएसए ने मामले में कहा कि दोषियों के खिलाफ जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश बाइक लूटकर फरार हो रहा था। मेरठ के जिला जेल में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल में बंद गैंगस्टर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।